तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू टेक्निकल शहजादो। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियो एडिट करने जा रहे हैं, जो कि टिकटॉक पे बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है कैपकट एप्लीकेशन की मदद से। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आप सिंपली आपने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है और आपने यहाँ से कोई भी एक जो है वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। सिंपल वीडियो ऐड करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे आ जाना है, वीडियो पे टैप कर लेना है। वीडियो पे टैप करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है एडजस्ट पे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ग्राफ में आ जाएँ, ठीक हो गया। ग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपने ऊपर वाली लाइन को कुछ इस तरीके से नीचे ले आना है और नीचे वाली लाइन को आपने कोने में ले जाना है ऊपर, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपने ये जो चारों कलर है आपने इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये आखिरी रहता है, आपने इसको भी कुछ इस तरीके से ऊपर वाली लाइन को नीचे ले आना है और नीचे वाली को ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है, आपने इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है और आपने यहाँ से इसको ब्लर वाला जो है वो इफ़ेक्ट दे देना है, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे लेंस पे आ जाना है सिंपली। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ब्लर वाला जो है वो इफ़ेक्ट दे देना है, ठीक हो गया। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये ब्लर इफ़ेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको पूरे वीडियो पे अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये एंड वाला वाटर मार्क जो है वो भी डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, अब आपने वीडियो को यहाँ से कर लेना है सेव, ठीक हो गया। तो ये वीडियो सेव होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे किस तरह से एडजस्टमेंट करनी और किस तरह से एडिटिंग करनी है। सो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। वीडियो जैसे सेव हो जाती है आपने सिंपली इसको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है और आपने पहले हमने जो ये सिंपल वीडियो ऐड किया आपने इसको ऐड करना है। उसके बाद हमने जो ये बाद में एडिट किया तो दोनों वीडियो को आपने एक साथ जो है ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पर हमने जो ये एडिट किया वीडियो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाएंगे ओवरले पे। ओवरले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वीडियो उसके नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से मूव करके आगे की तरफ ले जाना है, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये आपकी वीडियो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। वीडियो को एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली नीचे वाली वीडियो पर टैप कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है ब्लेंड पर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, ब्लेंड पर आने के बाद आपने बर्न पे क्लिक कर लेना है, ठीक हो गया। बर्न पे क्लिक करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे 70% पे रख लेता हूँ। उसके बाद आपने वीडियो को देख लेना है कुछ इस तरीके से। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो बड़ी करके भी दिखा देता हूँ प्ले करके। तो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो पर ये इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने एड ओवरले पे क्लिक कर लेना है, स्टॉक वीडियो पे क्लिक कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से वाइट बैकग्राउंड जो है वो वाइट फ़ोटो जो है वो ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद दोनों फिंगर की मदद से आपने इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है, ठीक हो गया। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने इसको जो है पूरे वीडियो पर अप्लाई कर देना है। पूरे वीडियो पर अप्लाई करने के बाद आपने ब्लेंड पर क्लिक कर लेना है और आपने इसको यहाँ से ओवरले कर लेना है, ठीक हो गया। ओवरले करने के बाद आपने अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसका जो है वो कलर रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इसका ये कलर ही यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये वीडियो हमारी एडिट हो चुकी है और इस पे ये इफ़ेक्ट जो ब्लैक इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। तो आप भी इस तरह की वीडियो एडिट कर सकते हैं कैपकट एप्लीकेशन की मदद से, और ये वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है ब्लैक इफ़ेक्ट वाली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।